मुझे उसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना था और उसे पुलिस को दे देना था और उसे जेल में होना चाहिए था, पर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। सो बेसिकली हमारी डेस्टिनेशन बस 2 मिनट की दूरी पर है, पर उससे पहले आप ये जान लीजिए कि शर्मा पे वर्मा का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली शर्मा पे वर्मा का मतलब है शर्मा जी की दुकान, जहाँ पे वर्मा जी जा रहे हैं। तो बेसिकली जी लगाना अच्छा ही होता है, क्योंकि हम प्यार में विश्वास करते हैं। प्यार दो, प्यार लो, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, इज्जत दो, इज्जत लो। लूट आप गलत सेंस में ना लेना, मैं पॉजिटिवली ही बात कर रहा था। सो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ वर्मा ही नहीं जाते हैं, यहाँ पे सब हमारे सिंह, श्रीवास्तव, हमारे गुप्ता जी, पांडे जी और खान बाबा सब आते हैं डूड यहाँ पे। सो बेसिकली अब मतलब तो आपने पहचान लिया, अब ये भी जान लीजिए कि कैसे बाय डिफ़ॉल्ट एक पॉकेट थीफ, एक पॉकेट चोर की वजह से इंसिडेंटली मैं यहाँ पे पहुँच गया। डूड अब शर्मा जी को पहचान की कोई मोहताज नहीं है, वो पूरे लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे इंडिया में, बोले तो पूरा वो ग्लोबल नेम है और ग्लोबल फेम है। लेकिन डूड ये ग्लोबल और इंडिया थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर डूड हमें बहुत पसंद है, इसलिए हम वो जगह बहुत पसंद करते हैं। तो डूड अगर आप लखनऊ में हो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सी जगह है, लेकिन अगर आप बाहर से देख रहे हो और लखनऊ आ रहे हो तो डूड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लोकेशन मैं डाल रहा हूँ, डूड आप ज़रूर आओ, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। अब बात आते हैं कि कैसे मैं यहाँ पे पहुँचा था। तो बेसिकली पिछले साल मैं अपने स्कूल के काम से यहाँ पे आया था, और एट द एंड ऑफ द डे शाम को मेरे पॉकेट में सिर्फ 20 रुपीज़ बचे थे, जो थे मेरे ऑटो का किराया, जिसे लेके मुझे अपने घर जाना था। अब ऐसे सिचुएशन में मैंने नोटिस किया कि डूड मेरा वॉलेट गायब है, और टेंशन में मैंने 360 डिग्री एक बार अपना सर घुमाया। डूड डर इस बात का नहीं था कि मेरे 20 रुपये खो रहे थे, डर इस बात का था कि मेरा वो ऑटो का किराया था, नहीं तो मैं अपने घर कैसे जाता, जो 10 से 12 किलोमीटर दूर था। अब ऐसे में मैंने एक बंदे को देखा, मतलब ऊपर वाले की दया, आप दुआ कह सकते हैं, बाय गॉड्स सेक, मैंने एक बंदे को देखा जो अपने साइड में कुछ छुपा रहा था, जिसका कवर एग्जैक्टली मेरे वॉलेट जैसे लग रहा था। अब मैं भाई उस बंदे के पास गया, और उस मतलब वो बंदा राउंड रहा होगा मेरे एज का, राउंड 1-2 साल बड़ा ही रहा होगा। ऐसे में मैंने उसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि टेंशन बहुत था, गुस्सा आ रहा था, और साथ ही साथ भूख बहुत लगी थी। लेकिन डूड शर्मा जी हमारे बगल में ही थे, तो ऐसे में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया मैंने, बल्कि उसे शर्मा जी के पास ले गया और उसी के पैसे से खूब पेल के खाया। डूड अब आप सोचोगे कि मुझे उसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना था, उसे पुलिस को दे देना था और उसे जेल में होना चाहिए था, पर ऐसा मैंने क्यों नहीं किया? ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बंदा मुझे बहुत डिसेंट लग रहा था, और कई कारणवश ऐसा हो सकता है कि कोई बहक जाता है। डूड अभी रोड क्रॉस करना है, तो आपसे अभी मिलते हैं। हाँ, तो कई कारणवश ऐसा होता है कि डूड बंदा बहक जाता है, और ऐसा होता है कि वो किसी कारणवश नहीं कर पाता, इसलिए मैंने उसके खिलाफ़ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। तो शर्मा जी बस आने वाले हैं यहाँ पे, आप कुछ सिनेमैटिक शॉट्स का मज़ा लीजिए, जो मैं ट्राई करूंगा पूरी तरह से डालने का, और बताइए कि ये सिनेमैटिक शॉट्स कैसे लग रहे हैं। शर्मा जी का बन मक्खन, उनका समोसा, जिसको खाने के लिए हम अपने घर से 10 से 12 किलोमीटर दूर आए हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट दूध जो यहाँ पे है वो है इनकी चाय। You told me the other day you'd be coming back today, but you didn't.
वैसे हमें मालूम नहीं है कब स्टैब्लिश हुई है, लेकिन पिछले 30-40 साल से यही जगह है। और ऐसा माना जाता है डूड कि अगर 100 भैंसे 100 बफेलोज लखनऊ में है तो 40 बफेलोज का दूध सिर्फ यहीं पे आता है। मतलब आप सोच सकते हो कितनी दूध की खपत होती है। डूड अभी तो भीड़ बहुत कम है क्योंकि 8:30 से 9 हो गया। आप अगर आप सुबह 7 o'clock पे आते डूड तो फिर यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि डूड आप फिर चल ना पाते हैं यहाँ पे, और डूड मज़ा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं हमारा खाना। बेसिकली हम लोग वहाँ पे नहीं बैठे हैं डूड, क्योंकि डूड वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है, इसलिए हम लोग नहीं बैठे हैं डूड। डूड ये पहले शर्मा जी के साथ काम करते थे, लेकिन अब इन्होंने खुद का इनिशिएटिव लिया है, खुद ही शर्मा जी के सामने खुद की दुकान खोल रखी है, और साथ ही अपने उनके कुछ कस्टमर्स अपने पास ले आए हैं डूड। तो यही कहते हैं खुद का इनिशिएटिव शुरू किया है। सो डूड आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। और डूड जैसे मैंने बोला आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आप टेक्नो बफ हो तो आपको यहाँ पे आना कंपलसरी है, क्योंकि सारे टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान यहाँ 30-40% डिस्काउंट पे मिलते हैं डूड। लेकिन एक और चीज़ दिखानी है डूड, ये हमारे जान पहचान सिद्दीक साहब की दुकान है, तो अगर आप यहाँ आते हो तो 20-30% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर डूड आप मेरा नाम लेते हो ना तो बोले 40%, 50%, 60% बोले तो फ्री में ले जाओ बॉस अपनी दुकान, समझो यार। ये तो मैं थोड़ा मजाक कर रहा था, लेकिन हाँ अगला ब्लॉग होगा, कोशिश होगी कि हम यहीं पे आते हैं ब्लॉग करते हैं, क्योंकि डूड इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत सस्ते मिलते हैं। और हाँ अगर आप फिटनेस रिलेटेड कंटेंट ऑल्सो आई अपलोड टू डूड, यू नीड टू सब्सक्राइब। एंड इफ यू आर थिंकिंग टू बाय अ प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन लेने के बाय कर रहे हो तो मैंने एक वीडियो डाला है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आप डूड सब्सक्राइब करो, फोर दो कमेंट करो, लेकिन डूड वी नीड टू स्टे कनेक्टेड, हम और चीज़ बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो हम चलते हैं। सो बाय। ओए हमारी स्कूटी की चाबी कहाँ है भाई, मिल नहीं रही है। स्कूटी की चाबी खो गई पता नहीं। और डूड जाएंगे कैसे हम लोग, स्कूटी की चाबी खो गई, FUCK। तो चलिए हम अपनी स्कूटी की चाबी ढूंढते हैं और आपसे यहीं पे बाय कहते हैं, अलविदा नहीं कहेंगे, बाय कहेंगे, क्योंकि डूड हमें फिर से मिलना है। सो बाय भाई, स्कूटी की चाबी ढूंढ यार, ढूंढ। सो गाइज अभी मैंने एक अपने जान पहचान के मिले हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो ये मेरा कंटेंट देखते हैं डूड। पहली बार मैं किसी से मिल रहा हूँ जो मेरा कंटेंट देखते हैं। हाय करिए। तो डूड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलते हैं, और आप ये वीडियो देखिएगा, आप इस वीडियो में फीचर्ड होंगे, और आप जो मैं अगला वीडियो डालूंगा आप भी इसमें रहेंगे। तो मिलते हैं, बाय डूड, आई एम गॉट अ सब्सक्राइबर, यस।